हेलो एवरीवन, राधे राधे। हैप्पी करवा चौथ आप सभी लोगों को। और ये जो करवा चौथ का ब्लॉग है, ये मैंने शुरू किया था एक दिन पहले से आफ्टरनून में। और करवा चौथ की खुशी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि सजना संवरना, मेहंदी लगाना, इस सब का इंतजार कितने दिन पहले से होने लगता है। जल्दी जल्दी सुबह सारा काम मैनेज करके, और मैंने सुबह के 11 बजे मेहंदी लगवाना शुरू कर दिया था। और आज बहुत सारा काम किया है, मतलब कि जितना घर में हो सकता है सारा सब कुछ। और इसके बाद मैंने ये क्लिप ली थी रात के समय। तो हमारे यहाँ पर करवा चौथ से एक दिन पहले हम लोग रात में मीठा खाकर सोते हैं। तो मतलब इसमें से मुझे जो भी खाना होगा मैं खा लूंगी। और ऐसा बोलते हैं कि मीठा खाने से प्यास नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती है। और एक दिन पहले तला भुना नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, मतलब कि जहाँ तक हो अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बिना तला भुना खाए रह सकते हैं तो आपको नेक्स्ट डे व्रत रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद ये है करवा चौथ वाला दिन। और ये क्लिप ले रही थी मैं दोपहर से। तो सुबह वाला काम मेरा हो चुका है, जिसमें मैंने लंच वगैरह रेडी कर दिया है। तो हमारे यहाँ पर कढ़ी चावल बनता है, वो सुबह बन चुका था। कढ़ी चावल, रोटी, मैंने सब कुछ बना दिया था। और इसके बाद अब मैंने ये पूजा के लिए पूड़ी बनाना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ पर करवा में फीकी मीठी पूड़ी और भी बहुत सारा सामान रखा जाता है। तो वो सब मैं बनाकर सब कुछ मतलब मैंने रेडी कर लिया है, किचन क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये मेरी पूजा के लिए चौकी लगाना, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर डेकोरेशन भी कर दी है। इससे मतलब मुझे मतलब रहता है हमेशा कोई भी फेस्टिवल हो उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना, चाहे मैं पूरा दिन लगी रहूँ, लेकिन मुझे ये सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। तो पूजा की चौकी लगा दी है, कैलेंडर लाई थी वो चिपका दिया है, साथ में लड़ी वगैरह लगा के लाइट लगा दी है। और करवा मेरा रेडी हो चुका है। करवा के ऊपर हमारे यहाँ चावल पीस के उसको थोड़ा सा लिक्विड बना के ना वो लगाया जाता है, उसके ऊपर से थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं। उसके अंदर मैंने जो भी सामान रखना था सारा सब कुछ रख दिया है। पूजा की थाली लगा ली है, चौक वगैरह बना दिया है। और आंगन में भी हमारे यहाँ चावल के पानी से ही जैसे चंद्रमा बनता है वो सब कुछ मैंने बना दिया है। और ये मेरी पूजा की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। उसके बाद गई मैं मेरे रूम में और जाकर मैंने फटाफट से खुद को रेडी किया। और ये मेरी मेहंदी का रंग बहुत सुंदर आया है। और ये आज जो मैंने साड़ी पहनी है ये मेरी शादी की साड़ी है। जब और मेरा ये लुक आपको कैसा लग रहा है जरूर बताएं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। करवा चौथ की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं और मैं पूजा के लिए आके बैठ गई हूँ, पूजा करने के लिए। और अभी चंद्रमा निकलने में काफ़ी समय है, लेकिन पूजा का मुहूर्त शायद, मतलब वैसे तो ये कभी भी पूजा करो ऐसा नहीं है कि मुहूर्त अच्छा नहीं होता है, लेकिन कुछ मुहूर्त भी ऐसे बताया गया था कि 7 बजे के बाद तक ऐसा कुछ मुहूर्त है। तो मैं सोची चलो अभी रेडी हो गए हैं तो पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ और ये जो मेरी साड़ी है ये मेरी शादी की ही साड़ी है और मैंने आज इसको पहना है। मोस्टली जैसे मेरे यहाँ पर सब लोग पहले शादी वाली ही साड़ियाँ पहनते थे, कभी कभी बीच में चेंज कर लेते हैं, तो आज इसको मैंने फिर से पहन लिया है। और ये बहुत 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 अच्छी लगती है। और ये मेरा पिन यहाँ पीछे बैक में ठीक से नहीं लगा है, इतना हाथ मेरा पीछे तक जा नहीं रहा था। तो चलिए भाई अभी रेडी हो चुके हैं और ये अपना सिंपल सा मेकअप लोग खुद से क्रिएट कर लिया है, पूजा की सारी प्रिपरेशन कर ली है और सुबह से एक बूंद पानी की नहीं पी है। सुबह से मतलब क्या, रात के 12 बजे के बाद से, 12 बजे से पहले ही जो कुछ खाना पीना था, पानी वगैरह सब कुछ रात में पी के लेते थे। और पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। और ऐसा करने के लिए एक दिन पहले से जैसे थोड़ी प्रिपरेशन कुछ करनी पड़ती है तो फिर अगला दिन बहुत अच्छा जाता है जब हम निर्जला व्रत करते हैं। तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे नहीं हुई है व्रत पूजा करने में। तो अभी यहाँ पर मैं पूजा कर लूँगी करवा माता की और ये सारी चीज़ें, सारी प्रिपरेशन मैं पहले से करके चली गई थी। और आप सब के यहाँ पर करवा चौथ कैसे होती है बताना। और मेरी इन लॉ हाउस में जैसे होती है ना, तो मैंने वही सारी चीज़ें यहाँ पर तैयारी करके रखी हैं। तो चलिए भाई पहले पूजा कर लेते हैं और आपसे बाद में बात करते हैं। अगर आप भी अपने घर में अकेले हों और कोई काम कर रहे हों तो अक्सर आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा, क्योंकि मेरे साथ तो होता ही होता है। और किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वो क्या है कि मैं सारी चीज़ें रख के बैठती हूँ, मतलब कि सारा सब कुछ अरेंजमेंट कर देती हूँ। कोई भी पूजा हो, मतलब अगर मुझे पूजा में बैठना है तो मैं सोचती हूँ एक एक चीज़ याद करके रख दूँ। और सारा सब कुछ रखा भी था, लेकिन होता है ना कि एक दो चीज़ ऐसी होती है। मैंने सोचा था कि नीचे आऊँगी तो हमारे यहाँ कढ़ी चावल से भी पूजा
होती है और साथ ही फूल वगैरह थे, तो मैंने सोचा था जब पूजा शुरू करूंगी तभी निकाल लूंगी फ्रिज से, तो वो मुझे याद ही नहीं रहा, फ्रिज में रह गए। और कड़ी चावल जबकि मैंने निकाले थे उसके बारे में मतलब दिमाग में ही नहीं रहा। तो अभी मैंने काव्या को बोला कि आप मुझे फूल वाली जो थैली है वो ला कर दो। और मेरे घर पे जो फूल वाले भैया आता है ना, मतलब बहुत अच्छे हैं, सुबह वो गजरा भी लेकर आए, इनको पहनाने वाली माला भी लेकर आए, करवे के लिए भी पूजा के लिए फूल वगैरह माला ये सब कुछ उन्होंने ही ला कर दी थी सुबह सुबह। और ये एक टेंशन मतलब बहुत बड़ी होती है, हर चीज़ याद करो, जो चीज़ घर में नहीं है मार्केट से मंगाओ। और कुछ चीज़ ऐसी होती है पर्टिकुलर, अगर डेली बेस पे जो आपका सामान आता है और आपको वो चीज़ मतलब बिना कहे मिल जाए तो बहुत खुशी होती है ना, मतलब कि मुझे बहुत खुशी हुई सुबह सुबह जब उन्होंने फूल का पैकेट दिया, बोला भाभी इसमें गजरा भी है, तो मैंने वो सारा कुछ बहुत खुशी से लिया। और मैंने जो उसको फ्रिज वगैरह में रख दिया था, तो अभी अपना बन बनाया तो मैंने उसमें गजरा भी ऐड कर लिया, और गजरे की वजह से ही मैंने बन और बना लिया। वैसे चाय मैंने सोचा था चोटी वगैरह अपनी बना लूंगी, और अभी यहाँ पर बस मैंने पूजा करना शुरू कर दिया है। तो हमारे यहाँ पर जैसे मम्मी के साथ मैं पूजा करती थी, मैं बिल्कुल वैसे ही करती हूँ पूजा। तो करवे के अंदर यहाँ पर खाना वगैरह रखा जाता है, जो भी पिन्नी वगैरह होती है चावल की बनती है, और इसके साथ ही मीठी मीठी फीकी पूड़ी चिवड़ा ये सब कुछ रखा जाता है, और सीख वगैरह हमारे यहाँ लगती है। और करवे से जो है जल वगैरह दूसरा है मेरा, मैं उससे देती हूँ। और अभी यहाँ पर बस पूजा की सारी प्रिपरेशन करके और अब मैं यहाँ पर जो है पूजा करना शुरू कर रही हूँ। ये जो हाथ में मेरे देख रहे हो आप, चार पूजा लगभग सब जगह सेम ही होती है, लेकिन थोड़ा सा अपने अपने रिवाज थोड़े से अलग हो जाते हैं। और कलश वगैरह गौरी गणेश की पूजा, उसके बाद जो कैलेंडर होता है उनकी पूजा होती है, करवा माता की पूजा होती है, साथ ही करवा वगैरह हम बदलते हैं और जल देते हैं। और अभी पूजन वगैरह करके फिर मैं यहाँ पर हाथ में फूल और चावल लेकर करवा माता की कथा पढ़ रही हूँ, जो कि सभी जगहों पर एक जैसी ही होती है। जो बीरावती वाली कथा होती है कैलेंडर के नीचे लिखी होती है, इस बार मैंने कैलेंडर थोड़ा सा बड़े साइज का लिया और इस पर बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, फोटो वगैरह सब कुछ बहुत बड़ी बनी हुई है, नॉर्मली कैलेंडर से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। पिछले साल भी मैंने बड़ा ही मंगाया था। आपको बताऊँ अक्सर मेरे सर में दर्द होने लगता था भूख प्यास से बहुत ज़्यादा, और मुझे मतलब खाने का तो नहीं रहता है ना, मुझे चाय वगैरह की इतनी तलब है, लेकिन मुझे जैसे पानी पीने का रहता है, गर्मी वगैरह लगती है काम करते करते, बीच बीच में मैं कई बार पानी पीती हूँ थोड़ा थोड़ा करके, तो प्यास मुझे लगने लगती है। इसके लिए मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मुझे प्यास भी नहीं लगती, मुझे प्यास लगती है, भूख वगैरह कुछ नहीं लगती, ना किसी खाने पीने की इच्छा होती है, बस ये लगता है कि पानी मिल जाए। और हमारे यहाँ पर जो कैलेंडर में गरबा माता होती है उन्हीं से ही गरबा बदल लिया जाता है। तो मैंने जो है पूजा कर ली है, इसके बाद यहाँ पर आरती वगैरह करेंगे। आपके यहाँ पर कैसे होती है और कौन सी रिवाज यहाँ से कुछ हटके है, जैसे आप मेरे वीडियो में देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें होती हैं, और थोड़ी दूरी कदम चलने पर ना चीज़ें बदल जाती हैं। तो आप सब कहाँ से देख रहे हो वीडियो मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना। साथ ही अगर आप पहली बार मेरे चैनल देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप मेरी रील्स को एंजॉय करने के लिए मुझे Instagram पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी Instagram आईडी है ब्यूटी विद कृतिका, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगी, तो आप वहाँ से भी मुझे चेक कर सकते हैं, मेरे अकाउंट को चेक कर सकते हैं। तो चलिए भाई, अभी यहाँ पर पूजा वगैरह हो गई है, आरती हो गई है, आशीर्वाद ले लिया है, सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर गौर माता से सुहाग ले लूँगी। तो पूरी पूजा करके ही मैं जो है यहाँ से हटूँगी, और उसके बाद हमारे घर के आंगन में भी चंद्रमा बनता है, मैं उनकी पूजा करूँगी। और आपको बता दूँ कुछ क्लिप्स ऐसी हैं यहाँ पर जो कि पूरी पूरी नहीं है, क्योंकि वो क्लिप्स जो है बच्चों ने निकाली हैं, तो जितना भी हो सकता था जितनी भी थी मेरे पास बस वही एडिट करके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो भाई
करवा चौथ माता की जय हो। सभी वही सुहागनों का सुहाग बना रहे, करवा चौथ माता अगले साल अच्छी अच्छी तरीके से खुशियां लेकर आए। तो हमारे यहाँ पर ये चंद्रमा आंगन में ही बनता है, काफी लोगों के यहाँ छत पे बनता है, कुछ लोग थाली में बना लेते हैं, तो जैसा भी ठीक लगे। मैं तो मतलब हर तरीके से पूजा की है मैंने, क्योंकि मैं काफी साल बाहर भी रही हूँ, तो जो मुझे समझ में आता था वो कर लेती थी, और मम्मी के साथ रही तो मम्मी के जैसा करती थी, और मतलब मुझे जो समझ में आता है उस तरीके से मैं पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये जो है हमारे यहाँ पर बोलते हैं इसमें अर्घ देना, तो चांदी के साथ फरा बनता है, आटे का फरा, उस पे चांदी रख के उसके ऊपर से अर्घ दिया जाता है चंद्रमा को। तो वो जल अपने हाथ से नहीं डाल सकते, एक हाथ में फरा होता है, एक में दीपक होता है, तो इन रहा है। कुछ नहीं आ रहा, इधर इधर से आएगा। अंधेरा आ रहा है, तो वही 8 बजे को आ गया है, छत पे आ गए हैं सब लोग और वेट कर रहे हैं मून के आने का। तो पीछे से यहीं से आएगा चंद्रमा, और हमारी छत पे एक ही लाइट लगी हुई है, तो जिसकी रोशनी पूरी तरफ जाती है छत पे सब तरफ। और ये वैसा वाला लाइट है, इसकी रोशनी थोड़ी येलो येलो है, तो सब कुछ येलो येलो ही दिख रहा है। और लास्ट मिनट पर जैसे ही चंद्रमा निकला है, मैंने पूजा करने के लिए उठी थी कि लाइट चली गई है, और अब यहाँ पर बहुत अंधेरा हो चुका है, तो बस एक दीपक की रोशनी में ही हम लोग पूजा कर रहे थे। तो यहाँ पर ये जो है मैं चंद्रमा को अर्घ दे रही हूँ, तो जैसे हमारे घर के आंगन में चंद्रमा बनता है अर्घ दिया जाता है, सेम उसी तरीके से फरा के साथ यहाँ पर चांदी के साथ अर्घ दिया जाता है, और फरा को यहीं पर छोड़ दिया जाता है। और ये मैं करवा है मेरा तांबे का, तो मैं उसी से ही जल चढ़ाती हूँ भगवान चंद्रदेव को, और यहाँ पर कर लेंगे उनकी आरती वगैरह। और अंधेरे में बस कुछ इस तरीके से ही मेरा वीडियो आया है, तो बस वही आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। जितना हो सकता था लास्ट मिनट पे लाइट चली गई, क्या कर सकते हैं, छत पे बहुत ऊपर जाके कनेक्शन जो है इन्वर्टर वगैरह का नहीं है, और ये बेटी ने मेरी ने थोड़ी सी क्लिप निकाली थी, तो छलनी से जो होती है ना पूजा वो भी मेरी हो गई है। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं इनका टीका वगैरह कर दूंगी, क्योंकि पतिदेव का पूजन भी बहुत जरूरी है, और आज के दिन इनको बहुत हंसी आती है, मतलब खुशी होती है, बहुत हंसते हैं ये, कि एक ही दिन साल में ऐसा आता है जिसमें पति की बहुत खास पूजा होती है, बहुत ज्यादा बहुत। तो ये चलिए भाई, अभी यहाँ पर इनका मैं टीका वगैरह करूंगी, इनको माला पहनाऊंगी, तो यहाँ पर इस तरीके से इनके यहाँ से पानी पी के मिठाई खा के फिर अपने व्रत को पूरा करूंगी। चले भाई, मेरा व्रत तो पूरा हो गया, उसके बाद मैंने जो है मम्मी से पैर छू के आशीर्वाद ले लिया है, और ये काव्या मेरी फोटो खींच रही थी, इस चक्कर में हम लोग रुके हुए थे। और इसके बाद अभी मम्मी बोल रही है कि पहले चाय पी लो, तब कुछ मतलब और सबके पैर छूने जाना। और घर में जैसे मेरी चाची सास हैं, और भी लोग हैं, जिठानी है, ताऊ जी वगैरह हैं, और भी चाचा जेठ हैं, सब लोग, तो सबके पैर छूने मैं जाती हूँ, सब लोग ही जाते हैं, मतलब कि वो लोग हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं पहले जाऊँगी पैर छूने के लिए, उसके बाद ही चाय वगैरह पीऊँगी। मैंने बोला पहले पैर छू के आ जाते हैं, फिर कपड़े चेंज वगैरह करके फिर खाना वगैरह खा लेंगे। तो चलिए भाई चलते हैं। और ये मेरा, और घर आकर सबसे पहले मैंने जो है मेरी थाली लगा ली है, और मैं जो है जो मेरे यहाँ करवी के अंदर रखा जाता है ना मीठी पूड़ी वगैरह, सबसे पहले व्रत में हम लोग वही खाते हैं, और उसके बाद फिर घर में जो भी चीज़ बनी होती है वही खा के मतलब
अपना व्रत पूरा कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं जो कड़वे के अंदर खाना होता है उससे। तो आज के दिन बहुत अच्छा खाना वगैरह बना था ना, तो बस वही तो फ्रेंड्स खाएंगे। कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, डिनर मैंने मेरा लगा लिया है, तो बस खाने ही जा रही थी और मैंने सोचा चलो आपके साथ थोड़ा सा इस वीडियो को एंड कर दिया जाए। तो करवा चौथ मेरी बहुत अच्छी थी, आप सबकी भी बहुत शुभ रही होगी, आप सबने भी खूब इंजॉय किया होगा। तो कपड़े चेंज कर लिए, तो जस्ट मुझे अभी याद आया है कि मैंने वीडियो को एंड तो किया ही नहीं है, तो थोड़ा सा उलझन हो रही थी, लग रहा था कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। तो चलिए भाई खा लेते हैं खाना, और चाय वगैरह मैंने पी ली है, उसके बाद ही अभी बस सबके पैर छू के आ गई हूँ घर में, फिर बाद में जितने भी लोग हैं और हमारे यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं आज सुबह से वही सब कुछ खाऊंगी। और आज का व्रत मतलब बहुत बहुत अच्छा रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई, बस ये थोड़ा प्यास तो लगती ही है, उसको थोड़ा मन को कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन करवा चौथ बहुत अच्छी थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।